खबर यूपी से, जहां के गाजियाबाद में हुए दर्दनाक हादसे की जानकारी आई है। बस से स्कूल जाते समय 11 साल के बच्चे ने जैसे ही अपना सर बस से बाहर निकाला, खंभे से टकरा गया और उसकी मौत। खून के छींटों और टूटे कांच के शीशे के बीच रखा ये स्कूल बैग उस 11 साल के बच्चे का है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। लापरवाही और गैर जिम्मेदार रवैये ने माँ बाप की गोद सुनी कर दी, घर का चिराग बुझा दिया, खंभे से टकरा कर एक मासूम बच्चे की जान चली गई। एक दर्दनाक हादसा हुआ है गाजियाबाद में। रोज की तरह 11 साल का बच्चा अनुराग बस के जरिए स्कूल के लिए निकला था। बताया जा रहा है कि बस में स्कूल जाते समय बच्चे का सिर सड़क पर किसी खंभे से टकराया और उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत से आक्रोशित परिजनों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। इनका आरोप है कि बच्चे की मौत बस ड्राइवर और स्कूल मैनेजमेंट की लापरवाही से हुई है। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर स्कूल के प्रबंधक समेत 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। गाजियाबाद से पवन त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग B News App, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।